अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम नीतीश शर्मा है। मैंने अपनी स्कूलिंग हाई स्कूल पर से की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सार्वजनिक महाविद्यालय सरपोदी नगर बांका इंग्लिश प्रतिष्ठान में मैंने की। और उसके बाद से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? उसके बाद से मैं असिस्टेंट ऑपरेटर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर चयनित हुआ था। उसी के दौरान मैंने सिविल सर्विस। कितने दिन हो गए आपको? जी सर, लगभग अप्रोक्स 4 इयर्स। 4 इयर्स आप इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने प्रीवियस काम से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट आप लेके आएंगे? जी सर, जैसे कि प्रीवियस वर्क जो मेरा था उसमें सर हम लीड करते थे। जैसे अगर कहीं पे हम जाते थे फील्ड वर्क में तो वहाँ उसको लीड करते थे, हम लीडरशिप यहाँ पे हम कर उसको दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो पंक्चुअलिटी है, जो डिटर्मिनेशन है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको हम सर इसमें यूज कर सकते हैं। प्रशासन पंक्चुअलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जी, मुझे जो दायित्व सौंपा जाएगा उसे हम अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों सेम है या कुछ अंतर है दोनों में, आप सोच के बताएंगे हमें? सर, अभी एक वेटलैंड और एक लेक में क्या डिफरेंस है? सर, वेटलैंड वो होते हैं जहाँ पर दलदली भूमि होती है और वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, और लेक जो होते हैं वो भी वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य की प्रकाश उसके नीचे तक नहीं पहुँच सकती है। तो किसी भी जगह पे मान लीजिए कोई लो लाइंग एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो क्या वो लेक बन जाएगा? सॉरी सर, फिर से सर। कोई एक लो लैंड है, बहुत लंबा एरिया है और उसमें बहुत सारा पानी भी जमा हुआ है, तो क्या उसे लेक कहेंगे हम? सर, लेक का जो सर डेफिनेशन है कि लेक सूर्य की प्रकाश को उसके लेक के नीचे निचले हिस्से तक सूर्य की प्रकाश सर वहाँ नहीं पहुँच सकती, यानी गहराई अधिक होती है, अधिक है ना? तो आपने जो डेफिनेशन दिया और मैंने आपको एक कंडीशन दिया, तो क्या उसे लेक कह सकते हैं? जी नहीं सर। तो फिर क्या बोलेंगे उसे? वेटलैंड्स। आप तो बोल रहे हैं बहुत अधिक गहराई है। मैंने जो कंडीशन दिया, मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत गहरा भी है और वहाँ पे पानी जमा होता है बहुत ज़्यादा, तो क्या उसे लेक बोलेंगे या लेक बनने के लिए कोई और भी कंडीशन चाहिए? लेक में सर इकोसिस्टम भी होता है सर। एक लेक और एक पॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? सर, लेक की विस्तृत सर जल धारण क्षमता होती है, जबकि पॉन्ड सर छोटी जल धारण क्षमता होती है। बस यही डिफरेंस है। एक लगून और एक एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है? सर, लगून मुख्यतः जो होते हैं सर समुद्र के तट पर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर लगून में समुद्र के पानी जो है स्थल भाग में प्रवेश कर जाती है और बीच में सर स्थल भाग भी उठ जाते हैं, तो उस जगह लगून का निर्माण होता है। और सर एस्चुरी सर मुख्यतः सर प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है, जब समुद्र की जल सॉरी सर याद नहीं हो रही रिकॉल। ओके सर, अभी यहाँ 1 बज रहा है। जी सर, ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा? सर थोड़ा टाइम चाहिए। कितना घंटे का डिफरेंस हुआ? 5.5 घंटे। हार्बर और पोर्ट में क्या अंतर है? हार्बर एंड पोर्ट समझते हैं? जी सर, अंदर दोनों में क्या अंतर है? सर, इसके बारे किस हेमिस्फीयर में आप बैठे हुए? सर, ये सर नॉर्थ हेमिस्फीयर। सूर्य का अपना पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन तक जाने में क्या समय लगता है? सर दोनों के बीच लगभग सर 47 डिग्री का सर डिफरेंस होगा, और सर उसमें सर 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सर उतना सर क्या कुछ पता ही नहीं ना, इतना घंटा इतना मिनट इतना सेकंड क्या लगा? पोजीशन बदल कर पहुंच गया कैंसर से कैप्रिकॉन तक जी सर, वो तो सर डे में होगा सर, 6 महीने लगेंगे। अच्छा, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा सर एक क्षेत्र है सर जो ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि सबसे तो उसमें कटिबंध में सब और उसके बीच में पाई जाती है, और सर ये पारिस्थितिक तंत्र है। आर्कटिक सर्कल क्या है? आर्कटिक सर्कल सर 66.5 डिग्री से जो ऊपर की ओर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाती है उसको सर आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री को ही आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या सर 66.5 डिग्री क्या? सर अक्षांश उत्तरी और उत्तरी अक्षांश। जियोग्राफी का प्रयोग आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करेंगे? जी सर जियोग्राफी में हमें बहुत प्रकार के जैसे कि बिग साइंस भी सीखा जाता है और सर संसाधन का भी उसमें सीखा जाता है, तो सर संसाधन का सर हम उसमें यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार जियोग्राफी हमें संसाधन के बारे में बताएंगे उसके बारे में सीख सकते हैं सर। सेकंड सर आपदा प्रबंधन में सर हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपदा से पहले से अवेयर रहेंगे और उसके तीनों चरण में उसे हम यूज कर सकते हैं। कैडेस्ट्रल मैप और टोपो मैप में क्या अंतर है? सॉरी सर इसके बारे में नहीं। अभी भू सर्वेक्षण का कार्य बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? चेन आपने देखा है कभी? चेन बहुत सर्वेक्षण में चेन यूज होता है जी सर, तो अमीन यूज करते हैं। हाँ देखें किसी का बना हुआ रहता है सर, लोहे की। लंबाई कितनी रहती है? पटना में एक कट्ठा जमीन कितने स्क्वायर फीट का होता है? फार्मर आप लिख रहे हैं प्रोफेशन में फादर का, तो आपको जमीन के संबंध में कुछ मालूम है? जी सर सर पटना में सर अलग है और मेरे गांव में। हाँ तो पटना की बात बोल रहे हैं सर। सर पटना एक कट्ठा का नहीं पता सर, एक हेक्टेयर कितना जमीन को कहें? एक हेक्टेयर सर 100 × 100 मीटर स्क्वायर। एक एक क्या बोले? 100 × 100 क्या? 100 मीटर एक एकड़ हो गया। टेन चेन इंटू वन चेन कितना एरिया होगा? आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, कन्फेशन ऑफ ठग किसने लिखा? कन्फेशन ऑफ लवर किसने लिखा? कन्फेशन ऑफ लव या लवर जो भी हो किसने लिखा? जून किट्स किस तरह के कविता लिखते थे? सर रोमांटिक पोएट थे सर। सटायर और ह्यूमर में क्या अंतर है? सर सटायर सर किसी व्यंग पे व्यंग किया जाता है, जैसे किसी एक लेखक का बताइए जिसने सटायर लिखा हो। जी सर द एलेक्जेंडर पोप ने लिखा था द रेप ऑफ द लॉ। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा? मैथ्यू अर्नोल्ड। श्योर? अंकल पोजर हैंक्स से पिक्चर किसने लिखा है? इसके बारे में मर्सी मर्सी क्राइड पोर्सिया कहाँ है, किसने लिखा, किसने लिखा? आपने हॉबी लिखा है बैडमिंटन का, तो इंडिया का कोई ऐसा खिलाड़ी का नाम बताइए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भूतपूर्व को खिलाड़ी अभी नहीं है यहाँ पर माने अभी खेल नहीं रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता था? जी सर ये सर लीला गोपीजन। श्योर है? सर दो जीते थे सर, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते थे सर। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। सॉरी सर वो भी सर। अभी एशियाड चल रहा है, एशियाड में अब तक कितना गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुका है? सर 25 गोल्ड। कब मतलब कल का दिन? हाँ, जी सर कल तक का दिन। जी सर
हॉकी का गोल्ड मेडल किसने जीता? सर पुरुष और महिला दोनों परफॉर्मेंस था, हॉकी में जीता। पुरुष के वर्ग में जो जीता उसमें स्कोर क्या था दोनों टीमों का? सर 5-1। आप हमें आदित्य एल1 मिशन के बारे में बताएं। सर आदित्य एल1 मिशन सर सूर्य के प्रभाव मंडल और उसके जो तूफान वातावरण का अध्ययन करने के लिए सर भेजा गया सर इंडिया का मिशन है सर, जो कि सर PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था उसे सर। और ये सर एक लेग्रांज पॉइंट पर जाकर उसे स्थापित करेगी और वहाँ से सर उसका मॉनिटरिंग करेगी। पृथ्वी से सूर्य के बीच में कितने लेग्रांज पॉइंट में बटा गया? सर 5 लेग्रांज। PSLV के बारे में बताएं। सर PSLV स्टैंड फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल। ये सर ज़्यादातर 622 किलोमीटर पर सर इसका रेशियो होता है सर, और वहाँ पे सर इसको छोड़ा जाता है। हाल फिलहाल बादल फटने की घटना हुई है। जी सर। बादल फटने की घटना कैसे होती है? बादल फटने की घटना सर मुख्यतः सर जब बादल बहुत सारे ट्रैक कर जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ संघनन की क्रिया सर बहुत अधिक हो जाती है सर, तो उस समय सर घनत्व भी वहाँ पे पानी का अधिक हो जाता है जिससे फटती है। अभी कहाँ बादल फटने की घटना हुई है? सर सिक्किम। किस नदी में बाढ़ आ गई उस बादल फटने घटना के बाद? तिस्ता नदी। आप हमें ये बताएं, आप किसी शहर के SDM हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे बाढ़ हर साल आती है, तो बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आ गई उसके बाद तैयारियों माने जो आप तैयारी करेंगे, दो दो पॉइंट बताइए कि आप क्या क्या तैयारी करेंगे। सर पहला तो सर अगर बाढ़ आने से पहले है तो उसमें सर सबको अवेयर करेंगे और जहाँ तक वो प्रशिक्षण कराएंगे लोगों को उस एरिया में। सेकेंड सर जो जागरूकता वो सर जो पूर्व चेतावनी पूर्व चेतावनी जो संयंत्र है उससे सर हम सबको अवेयर करेंगे। और तो पता है कि बाढ़ आता ही है, तो पूर्व चेतावनी यंत्र तो इन्वेंटमेंट सर उसको कराएंगे सर नदी का। बाढ़ आने के बाद सर सबको अगर किसी को सर आवाज़ की सुविधा नहीं है या खाने की सुविधा नहीं है तो उसको सर व्यवस्था कराएंगे। और सर अगर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तो सर टेलीमेडिसिन के तो स्वास्थ्य को तो पहले भी अलर्ट मोड पर रख सकते हैं। आपको पता है कि बाढ़ आती है तो स्वास्थ्य विभाग को तो अलर्ट मोड पर रखना पड़ेगा। जातीय गन्ना जो बिहार में भी हाल फिलहाल हुई है, तो जातीय गन्ना के दो फायदे और दो नुकसान के बारे में बताएं। सर फायदे ये हैं कि सर सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो सामाजिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा सर अगर उनको सर अगर उनका सर हम टैकल कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जैसा कि है सर अगर किसी का आर्थिक रूप से आर्थिक सर्वेक्षण था सर ये जाती है आर्थिक जो सर्वेक्षण बताएं। तो सर अगर किसी का आर्थिक स्थिति खराब है तो सर उसको सर बूस्ट करके मुख्य धारा में ला सकते हैं सर। दूसरा सर आरक्षण भी सर किया जा सकता है अगर कोई जाति जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण भी किया सकता है और उसको सर मुख्य धारा में ला सकते हैं। और सर नुकसान यह है कि सर जो राजनीति इसमें जाति आधारित राजनीति हो सकती है और राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र की कमी हो सकती है सर। और सेकंड सर संप्रदायवाद भी हो सकती है सर। बिहार की ऐसी जनजाति जो हर 5 साल पर अपनी गन्ना खुद करती है, जी सर, कौन सी जनजाति है और कहाँ पाई जाती है? जिसे थारू है सर, सिंचल पाई जाती है सर। शराबबंदी बिहार में लागू है, आप किसी जगह SDM हैं लेकिन वहाँ पे शराब पीने से मृत्यु हो रही है, पेपर में न्यूज आ रहा है या जैसे जानकारी, आप उसको कैसे रोकने का प्रयत्न करेंगे? सर शराबबंदी सर पहले तो सर ये कानूनन अपराध है जैसे कि किया गया है सर। तो सर शराब को पहले जब उत्पादन स्तर पे ही उसको बंद करना होगा तो सबसे पहले सर उसका मॉनिटरिंग बहुत तेज़ी से कराया जाएगा। कहीं अगर शराब बन रही है तो सर उसको पहले सर उसको नष्ट किया जाएगा। उसके बाद जनता को अवेयर किया जाएगा कि शराब में सर मिथाइल अल्कोहल की मात्रा अधिक है, इससे सर अंधापन हो सकता है या कुछ और मृत्यु भी हो सकती है। आप बांका से बिलोंग करते हैं, बांका जो है वहाँ कोई पर्वत है, कौन सा पर्वत है? मंदार पर्वत। कुछ रोपवे की घटना भी हुई थी, कब हुई थी? सर पिछले साल 2022 में। पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थल के रूप में फेमस है? धार्मिक स्थल है लेकिन पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। थैंक यू। कब है आपका इंटरव्यू? 10 अक्टूबर। ठीक है।
कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो जिस तरह अभी आप कुछ ठीक अभी भी और थोड़ा पीछे जाइए आपका सिटिंग पोजीशन, हाँ हैंड्स को थोड़ा सा और पीछे, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। उस टाइम पे आप आगे की तरफ झुक के बैठे हुए थे, तो सिटिंग पोजीशन आपको इम्प्रूव करना है और क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। आप थोड़ी हड़बड़ी में लग रहे थे, क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली सुन नहीं रहे थे और इसलिए आपका आंसर भी टू द पॉइंट नहीं हो रहा था, है ना। तो ये एबिलिटी डेवलप करना है कि क्वेश्चंस को प्रॉपरली सुनना है, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, आंसर्स को फ्रेम करना है अच्छे से, फिर बोलना शुरू करना है। ऐसा दो तीन बार हुआ है, जैसे सर ने टाइमिंग को लेके आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने 7:30 बता दिया, AM या PM तो नहीं बताया आपने, है ना। तो 7:30 बोलने से हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि हमसे आगे है टाइम या हमसे पीछे है। तो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को सुना होता तो आप और अच्छी तरह से आंसर कर सकते थे या खुद को थोड़ा टाइम देते आंसर करने का। यही चीज़ हुआ जब मैंने वेटलैंड वाला क्वेश्चन पूछा था, मैं दो बार आपको मैंने रिपीट किया कि बड़ा एरिया है उसमें पानी भर जाएगा, बहुत गहरा भी है, तो क्या वो लेक बन जाएगा। और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, लेक के लिए एक कंडीशन होता है जो कि पॉन्ड में नहीं होता, क्या होता है कंडीशन? वाटर का ओरिजिन का कोई कंडीशन होता है? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आप ऐसे कॉमन बोलेंगे, होगा। तो यहाँ पे दिखाता है कि आप हड़बड़ी में थे, आप चीजों को सुन के अच्छे से प्रोसेस करके बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो इस पे वर्क कर लीजिएगा। सर ने इंग्लिश लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा चूंकि आपने ऑनर्स किया है ना, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह का तो ठीक ठाक आपने आंसर दिया है, बट और भी उसको देखते रहेंगे। ज्योग्राफी में थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, पोर्ट पूछा, हार्बर पूछा, ये सब देख लीजिएगा। और चेन वगैरह के संबंध में जानकारी, चूँकि अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उसका सब क्वेश्चन बनता है, किससे नपाता है, क्या एरिया है, कितना लंबाई इसका होता है, बेसिक चीज आपको जानकारी रखना है। इंग्लिश लिटरेचर में मुल्क राज आनंद जो कि इंडियन थे, इंग्लिश में लिखते थे, इनके बारे में आपको कौन कौन किताब लिखे नहीं लिखे सब सारी जानकारी होनी चाहिए। इस यार्ड इसकी जानकारी एकदम आपको असर रहना चाहिए, एकदम टिप ऑफ द टंग जिसको कहा जाता है, बोला नहीं तुरंत जवाब देते हैं लोगों को उसकी। जब और वर्ल्ड कप जो हो गया है सब पर मैंने पूछ दिया, पीछे से जब बैडमिंटन के संबंध में है उसमें एकदम पीछे का नॉलेज कुछ नहीं है पता है, तो थोड़ा सा बैडमिंटन है तो उस पर थोड़ा कौन था पहले, अभी कौन है, क्या करता है, सब जानकारी होनी चाहिए। 10 तारीख टाइम बहुत कम है, पेपर वर्क कर लीजिएगा, जो भी एक दो दिन जो है जो टाइम है आपके पास उसमें कम से कम एक सप्ताह का पेपर का पूरा देख लीजिएगा, जो भी टर्मिनोलॉजी वगैरह उसमें छोटे छोटे आते हैं या जो भी उससे संबंधित है तो वो आप देख लेंगे। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें जो है आपको देखना मानसून से संबंधित जो भी सेक्टर है आप उसको कर लेंगे, टाइम वर्क करना अच्छा आ जाएगा।